नमस्ते, मैं रजत हूं और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। दी ललन टॉप की 6 टीमें इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी कवरेज पर हैं। साथ ही फेक न्यूज से बचने के लिए वर्कशॉप कर रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि फेक न्यूज से हम कैसे बच सकते हैं। इसी कड़ी में जो उनसे हमें फेक न्यूज प्राप्त हो रही है, उनसे मिल रही है, हम उसकी पड़ताल करके उन्हें बता रहे हैं कि उस खबर की सच्चाई क्या है। इसी कड़ी में हमारे टीम के साथ ही नीरज पहुंचे दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने एक वर्कशॉप की, वर्कशॉप अटेंड कर रहे तनिष्क को एक खबर पर शक था और खबर जुड़ी थी इस शख्स के बारे में, नीरव मोदी के बारे में। नीरव मोदी की बगल की तस्वीर के साथ ही इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक्सिस बैंक का एक चेक है और ऊपर लिखा है कि पीएनबी घोटाले में जो लोन कांग्रेस ने नीरव को दिया था, क्या वो देश का पैसा किस्तों में कांग्रेस ले रही है। और यहाँ पे नीचे अमाउंट लिखा है, भारी भरकम अमाउंट है, आप पढ़ेंगे तो सैकड़े, हजारों, लाखों और उसके बाद करोड़, 98 करोड़, यानी 98 करोड़ रुपए देने की बात आ रही है कि नीरव मोदी ने कांग्रेस को 98 करोड़ रुपीस, यानी 98 करोड़ रुपए दिए हैं। और इसके ऊपर फिर जब ये खबर आई तो फिर तो लोग बिल्कुल वायरल करने लगे इस खबर को सोशल मीडिया पर। इसकी खबर की पड़ताल हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि कुछ समय पहले भी ये चेक सरफेस हुआ था। अब इलेक्शन का दौर है, दोबारा से खबर फैल रही है, तो हमारे साथी चाहते हैं कि उन्हें इस खबर की सच्चाई के बारे में बताया जाए। तो दावा आपने जान लिया, ये हैं हमारे साथी जिन्होंने हमारी वर्कशॉप अटेंड की थी, तनिष्क। हाय, मेरा नाम तनिष्क है और मैंने अभी अभी फेसबुक की वर्कशॉप अटेंड करी है लल्लन टॉप की तरफ से ऑन फेक न्यूज़। तो ये एक एग्जांपल है जो मेरे को एक फेक न्यूज़ का मिला था, जिसमें एक पिक्चर थी, एक चेक की पिक्चर थी जिसके अंदर 98 करोड़ रुपीज़ जो थे वो क्लेम, नीचे क्लेम ये था कि नीरव मोदी ने कांग्रेस पार्टी को दिए थे। और इन्होंने कुछ जो इसी के जुड़ते हुए हमारे जो पोस्ट थे सोशल मीडिया पर, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कई तरीके के कैप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे एक लिखा जा रहा है कि मैंने अकेले नहीं खाया, सबको हिस्सा दिया है, सब मिलकर चुकाएं, ये नीरव मोदी ने कहा है। उसके साथ ऐसे कई और पोस्ट हैं जिसपे ये कहा जा रहा है, जैसे कट्टर मोदी समर्थक ग्रुप से जुड़े और अपने 51 साथियों को जोड़े, ये ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप में इसके बारे में 2-3-4 मैसेजेस हैं। इसके अलावा एक और दावा किया जा रहा है कि नीरव मोदी ने कांग्रेस को 98 करोड़ यानी 98 करोड़ रुपए क्यों दिए, और साथ में यहाँ पे पोस्ट है मोहित पाटीदार चौकीदार का, और उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे कि एक चेक की तस्वीर आपको दिख रही है। हमने इस खबर की पड़ताल की और अगर आप चेक का इस्तेमाल करते हैं, जो भी चेक का इस्तेमाल करते हैं, वो इस चेक को देखेंगे और पहली ही नज़र में कुछ गलतियां इस चेक के अंदर पकड़ लेंगे। यानी मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूं, जैसे इस चेक के सबसे ऊपर दो लाइनें यहां पे नहीं लगी हैं, यानी चेक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस चेक पर डेट लिखी है 25/9/2011, यानी 25 सितंबर 2011, आज साल है 2019, तो क्या 8 साल से ये चेक दिया गया है, तो क्या ये इस्तेमाल नहीं हुआ, बड़ा सवाल है। क्या इसको कैश नहीं करवाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और इतना अहम चेक है, 98 करोड़ रुपए इतनी बड़ी अमाउंट है, तो क्यों किसी ने इस चेक को कैश नहीं कराया और इसको इसी तरीके से कैसे रखा गया था। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, साथ ही करीब आए, ये यहां पे आप स्पेलिंग पढ़ पा रहे होंगे, यहां 90 के स्पेलिंग गड़बड़ लिखे हैं। अब शायद हो सकता है कि गलती से उसे 90 लिख दिया हो तो फिर इस चेक का इस्तेमाल ना हुआ हो, है ना। नीरव मोदी बॉर्डन स्कूल से पढ़े हुए हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, आप उनसे ऐसी भूल नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर ऐसे चेक में जहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट चेक है और इतने स्टेक्स जुड़े हुए हैं, ऐसे में वो कैसे ऐसी गलती कर सकते हैं। खैर, ये मजाकिया तौर पर मैं कह रहा हूँ, ये भी एक पहलू है वैसे इस चेक, इस पूरी जानकारी का। इसके अलावा मुझे एक चीज़ से बड़ा अचरज होता है कि वो कौन सी बैंक की ब्रांच है जो 98 करोड़ रुपये का कैश रखती हो। चेक आप लेके जा रहे हैं, आप मतलब अगर आप उसे इन कैश करवाते हैं या अगर आपका खाता नहीं है तो आप इन कैश करवाते हैं उसे, तो किस ब्रांच में इतना कैश रखा होगा। खैर, ये सब वो बातें हैं जो ऊपर ऊपर से देखने को मिलती हैं, लेकिन आप क्योंकि जो चेक होता है उस पर आपकी खाता संख्या भी लिखी होती है, अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, तो आज के समय में अकाउंट नंबर डालकर ये पता लगाना कि किसका जो ये खाता है, ये किसका है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन खुद एक पार्थ प्रीतम चक्रवर्ती हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने भी जब ये खबर आई थी तो उसी समय इस खबर को डिबंक किया था और ये सर्च करके बताया था कि ये खाता नंबर उन्होंने डाला जो कि चेक के ऊपर दिख रहा था, और इसके नीचे जो नाम निकल के आया सामने वो कृष्ण बहादुर थापा का निकल के आया, ब्रांच थी नॉर्थ लखीमपुर जो कि है असम के अंदर है। तो ये वो
पूरी जानकारी है इसके बारे में कि ये जो चेक नंबर है ये नीरव मोदी का नहीं है, ये कृष्ण बहादुर थापा का है, ये है वो पार्थ प्रीतम चक्रवर्ती का पोस्ट, इसके बारे में भी हमने आपको बताया कि जिसमें उन्होंने इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये चेक दरअसल है किसका और जिसका चेक है उसका खाता नंबर है या किसी और का खाता नंबर है। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है, बात ये है कि ये चेक फर्जी है, ये मौज लेने के लिए किसी ने बनाया था। आप ट्रेसिस छूट जाते हैं, निशान छूट जाते हैं, हमसे पता लगा सकते हैं कि आप कि ये चेक किसका है। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है और प्रोपेगेंडा फैलाने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर शेयर करता दिखे तो उसे आप ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे आदित्य, और आप देख रहे हैं thelallantop.com। शुक्रिया।